की उम्र जरूरी नहीं, सिर्फ एक दिन में ऐसा काम करो जिससे 100 साल तक दुनिया तुम्हें याद रखे। क्रिसमस के अवसर पर क्रिसमस का कहिए कि पूर्व मिलन समारोह और साथ ही साथ 10वीं के जो छात्र छात्रा यहाँ से जा रहे हैं उनकी विदाई के लिए आयोजित इस समारोह में उपस्थित इस समारोह के मुख्य कर्ता धर्ता आयोजक रेवरेंड फादर शिवी, रेवरेंड फादर अरुण जी, यहाँ उपस्थित इस रामपुर पंचायत के सरपंच साहब, यहाँ के प्रतिष्ठित नागरिक मुन्ना शेख जी, हमारे सभी छात्र छात्राओं के अभिभावक, क्षेत्र की के प्रतिष्ठित नागरिक गण, अभिभावक गण, हमारे बच्चे बच्चियों, आज बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ करके। वर्षों के बाद बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि लगभग 38-40 साल पहले मैं यहाँ आया करता था। 38-40 साल हो जाएगा मेरा यहाँ पर पोस्टिंग था। मैंने यहाँ बहुत काम किया, चारों तरफ घूमता था साइकिल पर चढ़कर, रोड भी नहीं थे उस जमाने में यहाँ पर। अभिषेक जी बता रहे थे उस समय वो थे,
तो और आज जितना डेवलपमेंट हो गया है, इस स्कूल के पहले एक पुराना स्कूल वहाँ था, अब तो बिल्डिंग बन गई है, बहुत शानदार हो गया है। धीरे धीरे इन लोगों ने जो मेहनत किया, इस क्षेत्र के लोगों के लिए इन लोगों ने जो काम किया, और शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए और हर चीज के लिए मैं बहुत इन लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि इन लोग के आने के बाद इस क्षेत्र का पूरा रुतबा बदल गया। और मैं खुशी का जो देख रहा हूँ सबके चेहरे पर, जो भाव है, जो बच्चों में उत्साह है, और आने वाले दिनों में ये देश के कर्णधार बनेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे, इसकी शिक्षा यहाँ दी जा रही है। और ये बड़ा पावन अवसर भी है प्रभु यीशु को याद करते हुए, उनकी शिक्षाओं को हम लोग जीवन में हमेशा याद करते हैं कि उन्होंने सिर्फ प्रेम ही दिया, उन्होंने अपना जीवन त्याग बलिदान कर दिया प्रेम के चलते, बिना शिकवा शिकायत के वे गए और ऐसा मैसेज छोड़ के गए जो आज भी हम लोग के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। तो ये पूरी टीम इनकी बधाई की पात्र है। फादर सिवी ने यहाँ करके आने के बाद और भी मेहनत किया है और इस स्कूल को, इस शिक्षण संस्था को बहुत चमका दिया है। तो मैं बहुत उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे जिला, ये मेरा जिला है, मैं भी चंपारण जिला का ही रहने वाला हूँ, और मुझे खुशी होती है कि इतना इंटीरियर जगह पर आ करके, उस जमाने में लोग कैसे आए होंगे, हमको तो लगता है कि बहुत बड़ा त्याग उन्होंने किया, घर छोड़ करके आए और मिशन बनाया यहाँ पर, जब सड़क भी नहीं था, बंजर जगह होगी उस समय, तब वो लोग आए थे यहाँ और आकर आज इतना संस्था बनाया। मिशन में मैं आता था तो अंदर में अस्पताल भी था, जहाँ यहाँ के लोगों का, मरीजों का देखभाल होता था, उन लोगों का इलाज भी हुआ करता था। तो जहाँ जहाँ इन लोग ये गए, वहाँ इन लोगों ने काफ़ी कुछ किया समाज के लिए, हम लोग इनके अनुग्रहित हैं। आज दसवीं के छात्रों की विदाई का समय, मैं तो विदाई इसलिए नहीं कहूँगा कि कोई विदा नहीं होता है, अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, कहीं ना कहीं सब लोग एक दूसरे से मिलेंगे, और विदाई की बात नहीं है, लेकिन हाँ तत्काल तो यहाँ से उच्च शिक्षा के लिए आप लोग जा रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए यहाँ से और आगे की पढ़ाई के लिए दसवीं के छात्र जाएंगे, तो मेरी शुभकामना है कि वे जीवन में और भी आगे बढ़ें और नाम करें, और उनका नाम होगा तो इस विद्यालय का भी नाम होगा। जैसे अभी मुन्ना शेख जी कह रहे थे कि इसी स्कूल के पुराने बिल्डिंग में उन्होंने पढ़ाई की और आज क्षेत्र में उन्होंने अपना नाम और अपना वजूद स्थापित किया है। तो इसी तरह आप लोग भी कुछ करें अच्छा, ताकि माता पिता का भी गर्व से सर ऊंचा हो, और समाज को आप कुछ करिए, समाज के लिए कुछ करिए। दूर दूर से आकर हमारे मिशनरी भाई लोग आकर कितना काम कर रहे हैं, हमें भी कुछ करना चाहिए, और प्रभु यीशु के उपदेशों को हमेशा जीवन में अपनाने की जरूरत है। मैं इस संस्था के उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करता हूँ, और मैं ये भी कहूँगा कि जहाँ भी मेरी सेवाओं की जरूरत हो, यहाँ कहीं भी, तो मैं हमेशा आप लोगों के व्यवहार से भाव विभोर हूँ, बहुत प्रभावित हुआ हूँ। जहाँ भी जैसे भी होगा, जिस रूप में होगा, मैं अपना योगदान देता रहूँगा, और जब भी आपको मेरी ज़रूरत होगी मैं यहाँ हाजिर रहूँगा। मैं समस्त यहाँ की स्थानीय जनता को और सभी छात्र छात्राओं को भविष्य की शुभकामना और नव वर्ष की मंगल कामना के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।